गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, टुडे वी विल लर्न एसे ऑन माय बेस्ट फ्रेंड। तो आज हम एसे मीन्स निबंध, एक निबंध देखेंगे और हमारा टॉपिक है माय बेस्ट फ्रेंड, इट मीन्स मेरा प्रिय मित्र या दोस्त। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर की एक कॉपी बनानी है और उस कॉपी में आपको यह एसे लिखना है। और मैं आपको पहले यह बताऊंगी कि आपको एसे कैसे लिखना है कॉपी के अंदर। आपको अपनी कॉपी के पेज में सबसे पहले ऊपर लिखना है ESSAY ऐसे, और उसी के जस्ट नीचे माय बेस्ट फ्रेंड मतलब ऐसे का टॉपिक लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से। ओके, फिर उसके आगे आपको ये तीन पैराग्राफ दिख रहे हैं सामने, आपको ये माय बेस्ट फ्रेंड टॉपिक के नीचे ब्लू पेन से लिखना है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। सो अब हम ऐसे समझेंगे, लेट्स स्टार्ट। आई हैव सेवरल फ्रेंड्स बट राजा इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई हैव सेवरल मीन्स कई, मेरे कई मित्र हैं लेकिन राजा इज माई बेस्ट फ्रेंड, राजा मेरा प्रिय मित्र है। आप यहाँ पर राजा की जगह अपने बेस्ट फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हैं। ओके, ही इज माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। ही ऑल्सो स्टडीज इन माई क्लास, और वह मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ता भी है। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास, वह क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। ही इज़ नॉट प्राउड, लेकिन वह कभी भी घमंड नहीं करता। ही हेल्प्स हिज क्लासमेट्स, वह अपने क्लासमेट्स मीन्स सहपाठियों मतलब जो क्लास में हमारे साथ पढ़ते हैं उन्हें क्लासमेट्स कहते हैं, तो वह सभी की मदद करता है। ही इज़ अ फ्रेंड इन नीड, मतलब ज़रूरत के समय जो दोस्त काम आए वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हिज फादर इज़ अ बैंक मैनेजर, उसके पापा एक बैंक मैनेजर हैं। हिज मदर इज़ अ हाउस वाइफ, और उसकी मदर एक हाउस वाइफ, हाउस वाइफ मीन्स गृहिणी। नेक्स्ट, ही इज़ गुड एट स्पोर्ट्स एंड गेम्स टू, वह खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। ही इज़ चीयरफुल एंड पोलाइट, मीन्स वह पोलाइट मीन्स विनम्र, और चीयरफुल मीन्स प्रसन्न मतलब वह खुश रहता है और विनम्र है। आई लव हिम फॉर हिज क्वालिटीज़ एंड नेचर, इट मीन्स मुझे इसके क्वालिटीज़ मीन्स गुण एंड नेचर मीन्स स्वभाव या व्यवहार, तो मुझे उसके गुण और उसका व्यवहार बहुत ही पसंद है। ओके, ये ऐसे कंप्लीट हो गया है। अब आपको इंग्लिश ग्रामर कॉपी में यह ऐसे अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। क्लियर? हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स।